आज दिल्ली रामलीला मैदान में पूरे भारत के लोग, खास तौर से एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो संविधान का सम्मान करते हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर उदयराज जी के आह्वान पर समान विचारधारा के तमाम संगठनों के सहयोग से यहां पहुंचे हैं। मैं आज आप लोगों से इस रामलीला मैदान के मंच से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलाने का वक्त नहीं है। अगर ये लड़ाई आप लंबी चलाएंगे तो कुछ भी लड़ने लायक नहीं बचेगा, कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। अब हमें ये तय करना है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने एमपी एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से, लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुम्बन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस संविधान की बदन पर ये कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी राजा महाराजाओं से, ये एससी ओबीसी समाज भी लोग हैं, सब इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा रहे हैं, आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेदखल करके और असली यहाँ के राजा महाराजाओं को देश सौंपने की हम जिम्मेदारी करते हैं। आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं, ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। आज रामलीला मैदान दिल्ली से मैं पूरे देश भारत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर ऐसे ही कायर और बेहोश बने रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए अब हमें दो दो हाथ करना पड़ेगा, अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। अब ढीले ढीले काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को बचाते हैं, ईवीएम को हटाते हैं, संविधान बचाते हैं, आरक्षण की रक्षा करते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके इस पार्टी ने कमजोर लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आज वो लोग कुछ रईसों को रईस बना रहे हैं और सब लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इस आह्वान पर मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर 85% नहीं 95% लोग भारत में हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। कुछ ही लोग हैं जो गुनाह करके इस देश को लूटना चाहते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं। और ये उपवन अलग अलग रंगों का है, अलग अलग धर्मों का है, कुछ लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये देश अलग अलग मान्यताओं का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग धर्मों का है, ये एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। ये अलग अलग रंगों का भारत है और हम सब लोग उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद बंते जी।